दोस्तों, अगर आप भी Google Pay पर अपना एक नया अकाउंट बनाना चाहते हैं, साथ ही साथ में अगर आप Google Pay से पैसा भेजना और मोबाइल रिचार्ज करना, लाइट बिल जमा करना और भी बहुत सारी चीज़ें आप एक ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे कमाल की बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी KYC की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। बस 5 मिनट में आप जो है Google Pay का अकाउंट बनाना और यूज़ करना सीखेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बाद में ये भी बताऊँगा कि अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो कैसे आपको फिर भी गूगल पे का यूज करना है। तो चलिए चलते हैं फोन की स्क्रीन पर और आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अगर आपके मोबाइल फोन पर पहले से गूगल पे एप्लीकेशन इस तरीके से डाउनलोड है और आपने अब तक यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है, तो आपको सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करना होगा, यानी कि डिलीट करना होगा। आपको अब एक काम करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। जैसे आप लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली गूगल प्ले स्टोर पर आएंगे और इसको डाउनलोड कर लेंगे। लिंक से डाउनलोड करने का फायदा यह होगा कि जब भी आप पहली ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको यहां पर कैशबैक मिल जाएगा, क्योंकि गूगल पे पर रेफर एंड अर्न का ऑप्शन होता है, तो यहां पर आपको रेफरल बोनस मिल जाएगा और आपको कैशबैक देखने को मिलेगा। अब यहां पर आप ओपन करेंगे गूगल पे एप्लीकेशन को और यहां पर आपको सबसे पहले अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक खाते के साथ में लिंक है। और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है या फिर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको कैसे गूगल पे का यूज करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद नीचे से आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर आपका जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको दिख जाएगा, नीचे से आपको एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करना है। थोड़ा सा आप वेट करेंगे, अभी आपका मोबाइल नंबर यहां पर वेरीफाई हो रहा है और नंबर आपका वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर पूछेगा कि आप अपना स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं या फिर अपना एक नया पिन बनाना चाहते हैं, तो आप जो चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहां पर हमारा फिंगरप्रिंट मांग रहा है, हमें यहां पर अपना फिंगर टच कर लेते हैं और यहाँ पर आपके सामने गूगल पे में आपका यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। चलिए, अब हम यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करते जाएंगे और गॉट इट करेंगे और यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट डिटेल को यहाँ पर परमिशन देंगे। गूगल पे यूज करने के लिए हमें सबसे पहले अपना बैंक खाते को लिंक करना होता है, तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सेंड मनी बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर नजर आएगा, आप क्लिक करेंगे। अब जिस भी बैंक में आपका बैंक अकाउंट है, आपको सबसे पहले बैंक को सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है या फिर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, इसके लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक में 0 बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड फ्री में देखने को मिलता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, ये कोटक महिंद्रा बैंक का मेरा वर्चुअल डेबिट कार्ड है और इसके थ्रू भी आप अपना गूगल पे फोन पे चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैसे आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपन करना है, इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, हम यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कॉन्टेक्ट को यहाँ पर परमिशन को अलाउ करेंगे। जो भी आपका सिम कार्ड बैंक के साथ में लिंक है, SIM 1 में है, SIM 2 में है, आप उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और कंटिन्यू करेंगे। दोबारा से मैसेज की परमिशन को अलाउ करेंगे। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर इस तरीके से दिख जाएगा, आपको बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के लिए जो भी आपका डेबिट कार्ड है, यानी कि ATM कार्ड है, उसके लास्ट के आपको 6 नंबर एंटर करने होंगे। उसके अलावा जो भी एक्सपायरी मंथ और ईयर है डेबिट कार्ड का, आपको यहां पर एंटर करना है और उसके बाद यहां से आप इसको प्रोसीड कर लेंगे। अब आपको थोड़ा सा वेट करना है, अभी आपके नंबर पर एक OTP आएगा बैंक की तरफ से और ऑटोमेटिकली यहां पर वेरीफाई कर लेगा। चलिए, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी आप देखिएगा वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आप यहां से इसको ओके करेंगे। अब यहां पर आपको 6 नंबर का अपना एक UPI पिन बनाना होगा। दोस्तों, UPI पिन जिस तरीके से ATM पिन होता है, उसी तरीके से UPI पिन होता है। जब भी आप पेमेंट करेंगे, आपसे UPI पिन पूछेगा, उसके बाद ही आपका पेमेंट होगा। और हो सकता है आपके बैंक में 4 नंबर का UPI पिन मांगे, तो आप अपने हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत सा UPI पिन बनाएंगे और किसी को भी आप शेयर नहीं करेंगे। अब हम ओके करेंगे, दोबारा से आपको वही अपना UPI पिन एंटर करना है और दोबारा से ओके करेंगे। और अभी आप थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका अकाउंट जो है सक्सेसफुली यहां पर इस तरीके से लिंक हो जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। और यार गाइस, आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। उसके बाद दोस्तों, आप होम बटन पे आएंगे तो आप यहां पर इजीली जो है न्यू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहां से आप मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट और मनी ट्रांसफर बैंक में, मोबाइल नंबर में, QR कोड में और भी बहुत सारी चीजें आप इजीली यहां पर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गूगल पे पर एक नया अकाउंट बनाकर यूज कर पाएंगे।